बरेली वार्ड नंबर 47 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार पति राजेंद्र सिंह पटेल सरल स्वभाव कर्मठ ईमानदार कर्तव्य परायण सज्जन व्यक्ति हैं। वे अपने क्षेत्र में अलग ही पहचान रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 2 बार वार्ड नंबर 47 से जीत चुकी हैं। इस बार भी अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो हैट्रिक चांस भी पूरा हो जाएगा। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, जैसे कि पुल निर्माण, सोलर लाइट, सीसी रोड, नाली वगैरह, उनको प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा। और साथ ही साथ एक संदेश क्षेत्र वासियों को दिया, वोटिंग वाले दिन मास्क लगाएं और ज्यादा भीड़ न लगाएं, लाइनों में सट कर खड़े न हो, 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी है और इस महामारी से सावधानी बरतें। मैं राजेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य, मेरी पत्नी यहाँ से लगातार 2 बार है और इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम वार्ड नंबर 47 से प्रत्याशी हैं और हमने लगातार 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता के लिए इतने विकास कार्य कराए हैं जो हमारे यहाँ से सांसद विधायक कुछ भी नहीं करा पाए और जनता को हमसे उम्मीद भी बहुत है, आगे भी हम उनके काम करेंगे। अब तक का हमने लगभग 10 करोड़ के काम कराए 10 सालों में। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? इस बार भी हमारा चुनावी मुद्दा यह है कि जो हमने लोगों से वायदे किए हैं उनको हम इस बार सबसे पहले प्राथमिकता पे बोलेंगे और पूरे कराएंगे। जो कहीं कहीं हमारे पुल बनने हैं, रास्ते नहीं हैं, हैंडपम्प हैं, सौर ऊर्जा की लाइटें हैं, जो भी जनता की डिमांड के हिसाब से हम काम कराएंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल के लिए मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि दूरी बना के चलें, बिना मास्क के ना निकलें और चुनाव को देखते हुए ज़्यादा भीड़ पब्लिक इकट्ठी ना करें। ये हमें भी ऊपर से निर्देश मिले हैं, चुनाव को देखते हुए ज़्यादा लोगों को इकट्ठी पब्लिक में वो ना करें और अपना इसका बचाव करें, मास्क वगैरह लगाएं। हाँ, जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब वोटिंग हो 15 तारीख को लोग मास्क लगा के निकलें और थोड़ी दूरी बना के खड़े हों, बिल्कुल चिपक के ना खड़े हों।